नजदीक होने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक गर्मी तेजी हो गई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। वहीं एक मामला इंदौर से जुड़ा हुआ सामने आया है, जहां पर महमूद कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजनाओं को लेकर जिस प्रकार से माताओं बहनों को 1000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से करोड़ों रुपए का बंटाधार किया जा रहा है। साथ ही इस योजना को निराधार बताते हुए चुनावी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का सरकार चुनाव में लाभ उठाना चाहती है। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता महमूद ने फिलहाल इस सरकार को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार से ये बताना है, जो फालतू पैसा जो खर्चा कर रहे हैं उसके पूरे गणित आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर एक, लाडली लक्ष्मी योजना एक ही जो 2700-2700 योजना में एक ही में वो पूरी बात बता देना चाहता हूँ। लाडली लक्ष्मी योजना में 1000 रुपया ये एक महिला को दे रहे हैं, जो हमारी बहनें भांजी या हमारे रिश्तेदार हैं। किंतु आपको ये बता दें कि उस 1000 के पीछे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है एक महीने का। अब उसका गणित ये है कि 5000 बोर्ड लगा रखे हैं, जो पब्लिसिटी होती है वो पब्लिसिटी में एक बोर्ड की कीमत 40000 रुपये किराया होता है। अब 5000 का आप जोड़ लीजिए उस किराए से। दूसरा, प्रिंट मीडिया, मध्य प्रदेश सरकार में 4000 प्रिंट मीडिया के रजिस्टर्ड हैं। उसमें हमारे इंदौर में सबसे ज़्यादा महंगे अखबार अगर हैं जिनका सर्कुलेशन है, नई दुनिया, भास्कर, पत्रिका आदि आदि, उसमें एक दिन का पूरा बजट मध्य प्रदेश सरकार उठाती है, जनसंपर्क विभाग उठाता है, जो कि एक महीने में एक विज्ञापन के द्वारा लाखों रुपया उसके ऊपर खर्चा करता है। अगर इसके ऊपर सोचा जाए तो 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन ये दे देते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर इनका विज्ञापन आता है, जो कि सेकंड में चलता है। फ्लेक्स जो बनते हैं वो फ्लेक्स में 10000 फ्लेक्स लगते हैं, 1 लाख का बिल बनता है। ये पब्लिसिटी जितनी भी है सब बीजेपी के हाथों में है। मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि जो पैसा है वो अगर इंडस्ट्री पे या बड़े कारखानों पे या बड़े उस पर बना लगाते तो शायद बेरोजगारों को रोजगार मिलता। 1000 रुपये महिला के पास आए, अब वो कहाँ जाता है, क्या महंगाई है, ये सारी चीज़ें महंगाई में उनको मालूम है कि एक हज़ार में होता क्या है। मगर इनके दो फोटो, एक शिवराज का हो और एक मोदी जी का हो, इस फोटो के लिए ये पूरा काम करते हैं। इनको कोई वोट नहीं देने वाला है, महिलाएं इनकी सारी चीज़ें समझ चुकी हैं। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जिस तरह से अगर ये पैसा इंडस्ट्री और उसके ऊपर लग जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे जो बेरोजगार हजारों लोग घूम रहे हैं। अब घोटालों की बात कर ली जाए, इस कदर घोटाले हो गए हैं कि हर दिन, अच्छा पुराने घोटाले सब लोग भूल जाते हैं, मगर व्यापम हो या नया हो, अरबों रुपए के ये घोटाले कर चुके हैं और अरबों रुपया फालतू खर्चा करते हैं सिर्फ दो फोटो के खातिर। वो पेट्रोल पंप हो या किसी भी विभाग का हो या कहीं पर भी हो, दो फोटो होना अनिवार्य है। अरे भैया, तुम्हें अगर फोटो का इतना शौक है तो सबको मालूम है कि आप मुख्यमंत्री हो, आप घोषणावीर हो, सब समझ चुके हैं। मैं ये सब चीज़ें आपके समझ के रख रहा हूँ, फिर आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपना हिसाब जोड़िए और एक महिला को 1000 रुपये पे 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, क्या ये उचित है? आपका परिचय? महमूद कुरैशी, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष।